आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की 24 खबरें फटाफट अंदाज में। करीब दो महीने से सख्त सर्दियों में जारी किसान आंदोलन अब जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में कल ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर रैली के लिए टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर से तीन रूट तय किए हैं, जहां किसानों को रैली निकालने की इजाजत मिली है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिसके तहत टीकरी से 43 किलोमीटर, सिंघु से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि ट्रैक्टर रैली पूरी निगरानी में होगी, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होगा, साथ ही सादे लिबास में पुलिस किसान रैली पर कड़ी नजर रखेंगे। दिल्ली पुलिस की ओर से दिए गए रूट से कुछ किसान रहनुमा खुश नहीं हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हमें शर्तों के साथ कुछ ही हिस्सों में जाने की इजाजत दी गई है, वो भी जो हरियाणा के अंदर आते हैं। जरी कानून के एहतजाज के तौर पर किसानों की भूख अब मुल्क के मालीदारा हुकूमत मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई के आजाद मैदान में आज किसानों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। इस रैली में तकरीबन 50,000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। इस रैली में किसान नए जरी कानून की मनसूखी का मुतालिबा और भी आगे बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि इस रैली में महाराष्ट्र हुकूमत के लोग भी पहुंच रहे हैं। किसानों के मुतालिबात की हिदायत के लिए मजबूत रहनुमा शरद पवार और महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर आदित्य ठाकरे भी पहुंचेंगे। यौम जमावरिया पर दिल्ली में बिजली काटने की साजिश का इनपुट मिला है। सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर आज और कल पावर कट करने की धमकी दी है। वहीं सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में सिख फॉर जस्टिस तंजीमों के गुरु पतवंत सिंह ने एक फोन कॉल कर कहा कि अगर किसानों के ट्रैक्टर रैली में कोई तस्दीक होती है तो उसके लिए हुकूमत ही जिम्मेदार होगी। आप नेता राघव चड्ढा ने एक आरटीआई के हवाले से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इल्जाम लगाए कि तीनों जरी कानून के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक साल गुजरने के बाद में वे पहले ही वाकिफ थे। राघव चड्ढा ने कहा कि अमरिंदर सिंह बीजेपी के एजेंट हैं। कैप्टन अमरिंदर साहब ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है। यौम जमावरिया पर सिक्योरिटी के लिहाज से डीएमआरसी ने एक नई हिदायतनामा जारी किया है, जिसके तहत आज से कल तक यानी 26 जनवरी को 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग बंद रहेगी। जय श्री राम के नारे पर तनाजा के बीच टीएमसी पार्लियामेंट नुसरत जहां ने लिखा कि ममता बनर्जी बजरिया दिखाई गई हिम्मत से बीजेपी के खौफ का माहौल बढ़ा है, क्योंकि देश और बंगाल दीदी के साथ खड़ा है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के दौरान सिक्किम में हिंदुस्तान और चीन की सेना का माबीन एक झड़प हुई, जिसमें 4 भारतीय और 20 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना के कुछ फौजी हिंदुस्तान एरिया में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश में ये झड़प हो गई है। एलएसी पर कशीदगी के आलम में हिंदुस्तान और चीन के बीच 9वें दौर की बातचीत देर रात 2:30 बजे तक चली। 15 घंटे तक चले इस इजलास में तनाव कम करने का तबादला ख्याल किया गया। जराया के मुताबिक 9वें राउंड की मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था कि पेनांग झील में शिमाली इलाकों में फियरिंग एरिया को फिलहाल 9 मेंस लॉट बनाया जाए। बर्तनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 610 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मैक्सिको के सदर लोपेज ओब्राडोर कोरोना मुतासिर हो गए, इसी की बाबत उन्होंने खुद आगाह किया है। ऑस्ट्रेलिया में फाइजर और बायोटेक्निक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। बाहरी कजाकों ने मगरबी अफ्रीका के साहिल से तुर्की का सामान
बर्दार बाहरी जहाज पर हमला किया और एक को हल कर दिया, जबकि 15 अफराद को अगवा कर लिया गया है। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली को नेपाल बिरादरी पार्टी से हटा दिया गया है। ये फैसला पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास लिया गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने ललकारा और कहा कि शरीफ फैमिली के खिलाफ बदनुवानी के सबूत पेश करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।